हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई फिल्म क्रैक मूवी के आज हम दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं जिस फिल्म का रिलीज तेईस फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त के डायरेक्टर में बनी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जीएगा जिस फिल्म को हम आज इस वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों हमारे चैनल पे मात्र मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिल्म की डायरेक्टर आदित्य दत्त के डायरेक्टर में बनी फिल्म 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई मूवी क्रैक मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अर्जुन रामपाल नोरा फतेही विद जमाल जा, एमी जैक्सन जैसे और बड़े दिग्गज स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित आदित्य दत्त रेहान खान समीर मोमिन मोहिंदर प्रताप सिंह ने मिलकर इस फिल्म का लेखे थे जबकि फिल्म की, की उत्पादित बिद जमाल अब्बास सैयद ने उत्पादित किया था फिल्म का संगीत विक्रम मांट्रोस और गाने मिथुन एनसी श्वाय, ने मिलकर इस फिल्म का संगीत दिया था फिल्म को दोस्तों तेईस फरवरी दो हजार चौबीस को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म का रनर टाइम एक से चौवन मिनट के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था फिल्म की बजट मात्र पैतालीस करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है इस फिल्म को दोस्तों बॉक्स में सोलह पॉइंट पचहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था इस फिल्म में दोस्तों संग, फिल्म का संगीत बक्सी एम सी स्वयर विक्रम मांट्रोज और मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत पर सैनी तानसिक बग्सी शेखर अशिवस्तव पेराडस मिथुन और अभिनव शेखर और विक्रम मांट्रोज ने लिखा है लेकिन दोस्तों आपको बताए फिल्म क्रेक को इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तक, तकनीकी पहलुओं की प्रशांस के साथ आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली है लेकिन दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना की गई है समीक्षा एक ग्रेटर वेबसाइट रटन टमात को में से चौदह परसेंट की समीक्षा सकारात्मक है, है जिनकी औसत रेटिंग दस में से चार है टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने पाँच पांच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक जीते क्रेक जीतेगा तो जिएगा रोमांसकारी एक्शन के मोर्चे पर पेश करता है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताज़ा झलक पेश करता है हालांकि यह अनुमानित ट्रांसफर निर्भरता है और कुछ हद हाँ तक कमजोर का हानि आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है फर्स्ट पोस्ट के कनेस अग लावे ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक एक्शन और स्टैंड और में उत्साह है लेकिन रोमांस की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है फ्रेंड बॉलीवुड हंगामा बॉलीवुड हंगामा समीक्षक ने पाँच में से दो स्टार दिए और इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तकनीकी पहलू की की थी लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रोना टाइम की आलोचना की पिंका विल्ला के रिशल जोगानी ने पांच में से दो स्टार दिए और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्ण फिल्म के रूप में समाप्त होती है न्यूज़ 18 के सोनल दोधिया ने पांच में से वन स्टार दिया और लिखा विद्युत जामाल और अर्जुन रामपाल एक एक्शन इंटरनेट एक एक्शन इंटरटेनर सीक्वर्ड गेम का एक सस्ता और मूर्खतापूर्ण संस्करण है रेडिफ के मयूर सनम सनप ने पांच में से वन स्टार दिए और लिखा बिना किसी मुक्तिदायक का गुण के क्रिक बिल्कुल बकवास है एनडीटी के शैबल चटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार रेटिंग दिया और राय की क्रेक भयानक अभिनय और भट्ट, का, भट्ट पूर्ण संपादन एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अतिरिंजित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है हिंदुस्तान टाइम की मोनिका राव कुकरेजा ने लिखा कि क्रेकन न केवल सभी एड्रेन एड्रेनाला इन दीवानों को की का आनंद लेने के लिए बुला रहा है बल्कि वह उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों पर इन जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं फिल्म कॉम्पेनियन के राहुल देसाई ने लिखा कि क्रेक ऑस क्रेक अनावश्यक रूप से जटिल लंबा और आत्मा तोड़फोड़ करने वाला है दोस्तों बात करें फिल्म क्रैक मूवी की तो इस फिल्म को दोस्तों रिलीज 23 फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कमाई कर रही है आपको बताया दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता विदुत जमवाल और अर्जुन रामपाल नोरा फतेही ही जैक्सन अभिनेत्री की जोड़ी में बनी फिल्म है लेकिन दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विद्युत अभी स्टार या एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं वही दोस्तों इनके साथ में अभिनेत्री नोरा फतेह भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में दिखाई दी है जो यह एक भारतीय अभिनेत्री है भारत में स्थित और कन्नडाई न अभिनेत्री हैं जो हिंदी तेलुगू और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देती है नोरा फतेही अभिनेत्री ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर बॉन्स से की थी फतेही ने टेम्पर बाहुबली द बिगनिन और किक टू जैसी फिल्मों में अपने आइटम गानों के लिए तेलुगु फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की है और दोनों मुलायम फिल्मों डबल बैरल और कैम कुलम को चुनी में भी अभिनय किया है 2015 में फतेह ने रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस नौ में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया 2016 में वह रियलिटी टेलीविजन डांस शो झलक दिखलाजा में एक प्रतिभागी थी और वह बॉलीवुड फिल्म चैंते में दिखाई दी है जहां उन्होंने पर गाने के रिकॉर्डेड वर्जन में दि, दिखाया गया था और इस गाने ने और इस गाने ने रिलीज के लिए रिलीज़ के पहले 24 घंटे के भीतर यूट्यूब पर 20 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए थे जिन्होंने यह पहला हिंदी गाना बन गया था भारत में ऐसे नंबर हासिल करने में उन्होंने दिलवर गीत दिलवर गीत का अरबी संस्करण जारी करने के लिए रोकम हिप हॉप समूह अनायर से साथ भी सहयोग लिया था 2019 में उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी डेब्यू गीता पेपेटा रिलीज रिलीज करने के लिए संगीतकार और संगीतकार रे, रेवनी के साथ सहयोग किया था अक्टूबर 2022 में उन्होंने कतर में कतर में बाईस फीफा कप के लिए एक गीत लाइफ द स्काई में कलाकार वन मन्नाल बालाकिच बाला और रियाद के साथ काम करने के लिए चुना गया था अभिनेत्री नोरा फतेही ने तब से हिंदी फिल्मों में अस्ट्रेष्ट डांसर थ्री डी दो हजार बीस भोज द प्राइड ऑफ इंडिया 2021 में सहायक भूमिका में निभाई थी उन्होंने टेलीविजन शो डांस दीवाने जूनियर्स और झलक दिखलाजा दस को भी जज किया था फतेही का जन्म और पालन पोषण कनाडा में हुआ है और वह की, की है उन्होंने टोरंटो के वेस्ट व्यू और एस्टेनियल सेकेंडरी स्कूल से स्थान की उपाधि प्राप्त की है उन्होंने यार्क विश्वविद्यालय में राजनीतिक ज्ञान राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ध्यान किया है उन्होंने सच्छाताकारों में कहा कि वह खुद को दिल से एक भारतीय मानती है अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर वंश में पहली अपनी पहली उपस्थिति से की थी इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथन की फिल्म टेम्पर में आइटम नंबर टेगो और रेची पोधम के साथ तेलुगु फिल्मों में कदम रखा था उन्होंने विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म मिस्टर एक्स में इमरान हाशमी और गुमृत गुरमृत चौधरी के साथ एक विशेष भूमिका निभाई है अभिनेत्री नोरा फते बाहुबली के गाने मनोहारी और के गाने कुको, कुको, क्रो, क्रो जैसी फिल्मों के लिए आइटम नंबर में दिखाई दी है 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म शेर साइन किया और अगस्त 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म लोफर साइन की जो पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित जिसमें वरुण तेज मुख्य भूमिका में, में हैं। उन्होंने नवंबर नवंबर 2015 के अंत में एक फिल्म ओपिरी भी साइन की है दिसंबर 2015 में फतेहही ने नौ सीजन में वर्ल्ड कार्ड प्रवेशी के रूप में बिग बॉस के घर में प्रवेश किया था बारहवीं सप्ताह दिन तिरासी में बदल बद, बेदखल होने से पहले उन्होंने तीन सप्ताह के अंदर बिताए उन्होंने 2016 में रियलिटी टेलीविजन शो झलक दिखलाचा में भी भाग लिया था उन्होंने संजय सूरीम के साथ अभिनेत्री के रूप में फिल्म माय बर्थडे संग्स में अभिनय किया था फरवरी 2019 में उन्होंने एक विशेष कलाकार के रूप में रिकॉर्ड लेवल टी सीरीज के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे और उनकी आगामी आग फिल्मों संगीत वीडियो वेब श्रृंखला और वेब फिल्मों में काम करेगी इसके बाद दोस्तों वह 2020 की डांस फिल्म एस्ट्रिट डांसर थ्री में दिखाई दी जो सहायक भूमिका के साथ की पहली फिल्म बन गई और 6 मार्च 2021 को फतेह ही पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बन गई थी जिनके गाने दिलवर ने यूट्यूब पर एक बिलियन व्यूज पार कर लिए थे उन्होंने जैस जैक नाइट के एक सहयोग से डॉटी लिटल लिटल स्क्रिप्ट गीत के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय एकल डेब्यू भी किया था जिसके बाद उन्होंने बाईसवें आईफा अवार्ड्स में प्रत्युत किया था 2022 में अभिनेत्री नोरा फतेही ने फिल्म थैंक गॉड के गाने मानिके के में अभिनय किया जिसे योहानी ने गाया था जो मूल श्रृंखलाई गीत मानिके मांगे हित का रिमिक्स है वह आयुष्मान कुराना के साथ एन एक्शन हीरो के गाने जेहाद नशा में भी दिखाई दी थी, थी उसी वर्ष उन्होंने दो फीफा विश्व वर्ल्ड विश्व कप के सम्मान समापन समारोह में प्रदर्शन किया था उन्होंने अन्य जजों के साथ डांस दीवाने यूनिवर जूनियर सीजन वन और झलक दिखलाजा दस जैसे डांस शो में जज की भूमिका निभाई है 2018 में फिल्म एस्त्री में गीत कमरिया में उनके साथ काम करने के बाद 2023 में वह राजकुमार राव के साथ अच्छा सिला दिया गीत के दिखाई दी दि थी इसी गीत को बी ने संगीत विरुद्ध और गाया है जाने के बोल के साथ प्राक फिल्म के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का एक्शन है जिसे उन्नीस सौ पंचानवे की हिंदी फिल्म बेवफा दिखाया गया था फिल्म की विदेशी बिद्ध, पाठक ने कहा एक के बाद एक गाने फतेही ही ने एक्स ही ने साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो इतने दृढ़ विश्वास के साथ नृत्य कर सके और ऐसा करते समय आकर्षक सक दिला सके व डावर और जेके जैन जैसे ब्रांडों की प्रचार प्रचार करता है फतेह ही 2023 में आईफा अवार्ड की दूसरी बार प्रस्तुत देने वाली एकमात्र अभिनेत्री बनी थी मार्च 2023 में फतेह ही ने अक्षय अच्छा कुमार के साथ एक इंटरटेनर्स टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया था दिशा पटानी मोनी राय सोनम अपाराना एस्टेबिन बैन और जहरा एसखान ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता विद्युत जमवाल की तो यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉल, जो दोस्तों दोस्तों हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं मार्शल कलाकार और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं वो कला कल टू के भी अभ्यासी हैं उन्होंने दोस्तों कमांडो फिल्म श्रृंखला की उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है बात की जाए दोस्तों फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं उन्होंने तेलुगु में शक्ति के के साथ साथ हिंदी में फोर्स के साथ में फोर्स और तमिल बिल्ला के साथ किया था। सभी नकारात्मक भूमिकाओं में उनकी पहली मुख्य भूमिका सफल फिल्म कमांडो में थी व अनजान की बादशाहो कमांडो टू जंगली यारा कमांडो थ्री और सनक सहित कई विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए हैं चामाल ने जान अब्राहम की अभिनीति दो हजार की फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की है जो तमिल भाषा की फिल्म कक्खा कक्खा का रिमेक है उन्होंने फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ पुरुषपर्धा के लिए फेयर पुरस्कार सहित कई सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार जीता था दो हजार ग्यारह में विद्यो चमाल अभिनेता ने तेलुगु भाषा की फिल्म शक्ति और ओसार वैली में नकारात्मक भूमिका निभाई दोनों में कैंटीआर अभिनय किया था 2012 में विदु चमवाल ने बिल्ला के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की अजीत कुमार के साथ प्रतिपक्ष के रूप में जिससे उन्हें आलोचनात्मक सराहना मिली थी उसी वर्ष उन्होंने अभिनेता विजय के साथ में खलनायक की भूमिका निभाई जो ब्लॉकबस्टर बन गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिम्मा पुरस्कार मिला था विद्युत चम्पाल ने बाद में हिंदी भाषा की फिल्म का मांडो में नायक के रूप में अभिनय किया और मैन की सहायता के बिना वास्तविक दुनिया के युद्ध आधारित कार्रवाई की फिल्म को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2013 हज़ार तेरह जुलाई दो, दो, जुलाई दो में मॉन्ट्रियल में फैक्टिसिया फिल्म फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था इसके बाद दोस्तों सितंबर 2013 में टेक्सास में फेस्ट फैक्टासिस फेस्ट में स्क्रीनिंग की गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एक्शन निर्देशक एक्शन निर्देशकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसे ब्रूस ली और टोनी जाको भारत का जवाब बताया गया था कमांडो की सफलता के बाद उन्होंने तिंगमासुद होलिया की बुलेट राजा में भी एक शूटर पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई 2014 में उन्होंने सूर्या के साथ तमिल भाषा की फिल्म में अनजान में सहायक भूमिका निभाई 2017 में उन्होंने कमांडो की अगली कड़ी कमांडो टू में दिखाई दिए थे जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उस वर्ष उनकी अगली रिलीज बादशाह थी जिसमें उन्होंने मेजर शेहर सिंह की भूमिका निभाई फिल्म ने दुनियाभर में औसत कारोबार किया था 2019 में विद्युत जामाल ने अमेरिकी निर्देशक चक सेल की पहली बॉलीवुड फिल्म जंगली और कमांडो थ्री अभिनय किया था बाद में उन्होंने कमांडो श्रृंखला में लौटते देखा गया था और फ्रेंचाइज की सबसे सफल बिना फिल्म बन गई थी और उनकी अगली परियोजना तिंगमाशु धोरिया की यारा थी जो फ्रेंड फ्रांसीसी फिल्म लेस लियोनिस की आधिकारिक रीमेक थी यारा बिधौल द्वारा साइन की गई तीन फिल्मों में से एक थी अन्य दो निर्देशक राम मधवानी की बड़े प्रारूप की फिल्म थी जो हॉलीवुड की फिल्म तीन सौ के सम्मान अभा पैदा करती है 2020 में वह एक, एक एक्शन थ्रिलर हाफिज में दिखाई दिए जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित थी यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी और इसे सिक्वल इसे सिक्वल, खुदा हाँ चैप्टर की घोषणा भी उसी लीड के साथ की गई थी उन्होंने फिल्म सनक में अभिनय मुख्य भूमिका निभाई है और विद्युत जामवाल ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया है उसके बाद दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अर्जुन रामपाल भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई दिए हैं यह एक भारतीय अभिनेता है मॉडल फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत दो एक से अपने अभिनय कैरियर की के शुरुआत की और तब से 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था उन्होंने रॉक ऑन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं उन्होंने दीवाना दो 2001, दिल है तुम्हारा 2002, दो, दिल का रिश्ता 2003, वादा 2005 और साई सी यू 2006 एक्शन फिल्म असम्भव 2004 और थ्री डी डे सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है 2013 में थ्रिलर यकीन 2015 दो और राय 2015 सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यूह 2000 बारह ड्रामा इंकार इनकार 2013 और बायोपिक डायरी 2017 बॉस 2002 रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड आया जब उन्होंने आंखे के कास्ट किया गया था जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म और डॉन 2006 ओम शांति ओम 2007 हाउसफुल 2010 राजनीतिक 2010 रावण 2011 और कहानी टू दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल, नेल पालेस दो हजार शामिल है बात की जाए दोस्तों रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार और मोहब्बत दो हजार एक से, से, अब, अब से कीर्ति रेड्डी के साथ की थी रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचना को की प्रशांस अजीत की और इंडिया एफ एम के तरण आदर्श ने लिखा कि प्यार और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का एक शोषक है लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है उनके भावनात्मक क्षणों को परिपक्वता के साथ दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है और उसके भावनात्मक क्षणों को परिपक्वता के साथ संभालता है जो बहुत कम पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भारी शुरुआत है इसने रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक ग्रानी अवनीता के रूप में स्थापित किया था उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नदिता अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया था लेकिन स्टार स्क्रीनिंग और आईफा समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नदितता पुरुष श्रेणी में पुरस्कारों की बदला बदली कर ली थी उनकी अगली रिलीज आसुस दीवान अपम थी जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया गया दिया मेजा के साथ प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशांस मिली लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और इंडिया के, के, इंडिया के एफ एम के तरुण आदर्श ने लिखा अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलते चलाते और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं जो पूरे समय एक सम्मान रहता है और एक्शन दृश्य में अद्वित है और भावनात्मक क्षणों को उचित प्रतुष्ट देकर सुखद और सार्य पैदा करते हैं रेडिफ के आशीष मंगोत्रा ने रामपाल रामपाल पर नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा अभिनेताओं ने अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्जुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं वही मॉडलिंग करते हैं और उनकी अभिनय क्षमताएं बातचीत होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है वर्ष की वर्ष की उनकी आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मिथ्या थी या वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी मिथ्या में मुख्य भूमिका में रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रामपाल की लगातार तीसरी फिल्म फ्लॉप फिल्म थी लेकिन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की थी दत्त की डायरेक्टर में बनी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा जिस फिल्म को हम आज इस वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों हमारे चैनल पे मात्र मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिल्म की डायरेक्टर आदित्य दत्त की डायरेक्टर में बनी फिल्म 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई मूवी क्रैक मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म में सुपर अभिनेता अर्जुन रामपाल फते फतेही विद्युत जमाल जा, एमी जैक्सन जैसे और बड़े दिग्गज स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित आदित्य दत्त रेहान खान समीर मोमिन मोहिंदर प्रताप सिंह ने मिलकर इस फिल्म का लेखे थे जबकि फिल्म के उत्पादित विद्युत जमाल अब्बास सैयद ने उत्पादित किया था फिल्म का संगीत विक्रम मांट्रोस और गाने मिथुन एम सी विक्रम मांट्रोस ने मिलकर इस फिल्म का संगीत दिया था फिल्म को दोस्तों तेईस फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म का रनर टाइम एक से चौवन मिनट के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था फिल्म की बजट मात्र पैतालीस करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है इस फिल्म को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सोलह पॉइंट पचहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था इस फिल्म में दोस्तों फिल्म का संगीत तानसिक बख्ची एम सी स्वयर विक्रम मांट्रोज और मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत परतुष्ट सैनी तंसिक बग्सी शेखर पैराडस मिथुन और अभिनव शेखर और विक्रम मांट्रोज ने लिखा है लेकिन दोस्तों आपको बताए फिल्म क्रेक को इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तक, तकनीकी पहलुओं की प्रशांस के साथ आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली है लेकिन दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट और रनर टाइम की आलोचना की गई है समीक्षा एग्री ग्रेटर वेबसाइट रटन टो को में से चौदह परसेंट की समीक्षा है सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से चार है टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने पाँच पांच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक जीतेगा क्रेक जीतेगा तो जिएगा रोमांसकारी एक्शन के मोर्चे पर पेश करता है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताजा झलक पेश करता है हालांकि यह पूर्वानुमानित ट्रांसफर ट्रांसफर निर्भरता है और कुछ हद तक कमजोर का हानि आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है फर्स्ट पोस्ट के गणेश अग लावे ने पांच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक एक्शन और स्टैंड और एस्टंडर में उच्च है लेकिन रोमांस की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है फ्रेंड ऑफ बॉलीवुड हंगामा बॉलीवुड हंगामा समीक्षक ने पाँच में से दो स्टार दिए और इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तकनीकी पहलुओ की, की प्रशंसकी थी लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रोनल टाइम की आलोचना की पिंका विल्ला के रिशल जोगानी ने पांच में से दो स्टार दिए और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है न्यूज एटीन के सुनील दोधिया ने पांच में से वन स्टार दिया और लिखा विद्युत जमाल और अर्जुन रामपाल एक एक्शन एक्शन इंटरनेट एक, एक गेम का एक सस्ता और मूर्खता पूर्ण संस्करण है रेडिफ के मयूर सनम सनप ने पांच में से वन स्टार दिए और लिखा बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रिक बिल्कुल बकवास है एनडीटीवी के शैबल चटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार रेटिंग दिया और राय की क्रेक भयानक अभिनय और भट्ट भटका, पूर्ण संपादन एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अतिरिंजित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने लिखा कि क्रेक न केवल सभी एड्रेन एड्रेनाला इन दीवानों को का आनंद लेने के लिए बिल बुला रहा है बल्कि वह उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों पर इन जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने लिखा कि क्रेक क्रेक अनावश्यक रूप से जटिल लंबा और आत्मा तोड़फोड़ करने वाला है दोस्तों बात करें फिल्म क्रेक मूवी की तो इस फिल्म को दोस्तों रिलीज तेईस फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कमाई कर रही है आपको बताया दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता विद्युत जमवाल और अर्जुन रामपाल नोरा फतेही ही जैक्सन अभिनेत्री की जोड़ी में बनी फिल्म है लेकिन दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विद्युत चमाल यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं वही दोस्तों इनके साथ में अभिनेत्री नोरा फतेहही भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में दिखाई दी है जो यह एक भारतीय अभिनेत्री है भारत में स्थित और कन्नडाई न अभिनेत्री है जो हिंदी तेलुगू और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देती है नोरा फतेही अभिनेत्री ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर बंस से की थी फतेही ने टेम्पर बाहुबली द बिगनिंग और किक टू जैसी फिल्मों में अपने आइटम गानों के लिए तेलुगु फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की है और दोनों मुलायम फिल्मों डबल बैरेल और कैम कुलम को चुनी में भी अभिनय किया है 2015 में फतेह ही ने रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस नौ में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया 2016 में वह रियलिटी टेलीविजन डांस शो झलक दिखलाजा में एक प्रतिभागी थी और वह बॉलीवुड फिल्म सत्यमेवा सत्यमेवा जयंते में दिखाई दी है जहां उन्होंने दिलबर गाने के रिकॉर्ड रिकॉर्डेड वर्जन में दि, दिखाया गया था और इस गाने ने और इस गाने ने रिलीज के लिए रिलीज़ के पहले 24 घंटे के भीतर यूट्यूब पर 20 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए थे जिन्होंने यह पहला हिंदी गाना बन गया था भारत में ऐसे नंबर हासिल करने में उन्होंने दिलवर गीत दिलवर गीत का अरबी संस्करण जारी करने के लिए रुक्कम हिप हॉप समूह अनायर से साथ भी सहयोग लिया था 2019 में उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय तो अंग्रेजी डेब्यू गीता पेपेटा रिलीज रिलीज करने के लिए पंजानियम संगीतकार और संगीतकार रे, रेवनी के साथ सहयोग किया था अक्टूबर 2022 में उन्होंने कतर में कतर में बाईस फीफा कप के लिए एक गीत लाइफ द स्काई में कलाकार वन मन्नाल बाला, बाला किच और रियाद के साथ काम करने के लिए चुना गया था अभिनेत्री नोरा फतेही ने तब से हिंदी फिल्मों में अस्ट्रेष्ठ डांसर थ्री डी दो हजार बीस भोज द प्राइड ऑफ इंडिया 2021 में सहायक भूमिका में निभाई थी उन्होंने टेलीविजन शो डांस दीवाने जूनियर्स और झलक दिखलाजा दस को भी जज किया था फतेही का जन्म और पालन पोषण कनाडा में हुआ है और वह मूल की है उन्होंने टोरंटो के वेस्ट व्यू और एस्ट एस्टेनियल सेकेंडरी स्कूल से, से स्थान की उपाधि प्राप्त की है उन्होंने यार्क विश्वविद्यालय में राजनीतिक ज्ञान राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ध्यान किया है उन्होंने सच्चाताकारों में कहा कि वह खुद को दिल से एक भारतीय मानती है अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर वंश में पहली अपनी पहली उपस्थिति से की थी इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथन की फिल्म टेम्पर में आइटम नंबर ट्रोंटेगो और रेची पोधाम के साथ तेलुगु फिल्मों में कदम रखा था उन्होंने विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म मिस्टर एक्स में इमरान हाशमी और गुमृत गुरमीत चौधरी के साथ एक विशेष भूमिका निभाई है अभिनेत्री नोरा फतेही इसके बाद बाहुबली द बिगनिंग के गाने मनोहारी और किकटू के गाने कुक्रो क्रो जैसी फिल्मों के लिए आइटम नंबर में दिखाई दी है 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म शेर साइन किया और अगस्त 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म लोफर साइन की जो पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित जिसमें वरुण तेज मुख्य भूमिका में, में हैं। उन्होंने नवंबर नवंबर 2015 के अंत में एक फिल्म ओपिरी भी साइन की है दिसंबर 2015 में फते ही ने नौ सीजन में वर्ल्ड कार्ड प्रवेशी के रूप में बिग बॉस के घर में प्रवेश किया था बारहवीं सप्ताह दिन तिरासी में बद बेदल बेदखल होने से पहले उन्होंने तीन सप्ताह के अंदर बिताए उन्होंने 2016 में रियलिटी टेलीविजन शो झलक दिखलासा में भी भाग लिया था उन्होंने संजय सूरीम के साथ अभिनेत्री के रूप में फिल्म माय बर्थडे संग्स में अभिनय किया था फरवरी 2019 में उन्होंने एक विशेष कलाकार के रूप में रिकॉर्ड लेवल टी सीरीज के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे और उनकी आगामी आग फिल्मों संगीत वीडियो वेब श्रृंखला और वेब फिल्मों में काम करेगी इसके बाद दोस्तों वह 2020 की डांस फिल्म एस्ट्रीट डांसर 3डी में दिखाई दी जो सहायक भूमिका के साथ की पहली फिल्म बन गई और 6 मार्च 2021 को फतेह ही पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बन गई थी जिनके गाने दिलबर ने यूट्यूब पर एक बिलियन व्यूज पार कर लिए थे उन्होंने जैस जैक नाइट के एक सहयोग से डॉटी लिटल लिटल स्क्रिप्ट गीत के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय एकल डेब्यू भी किया था जिसके बाद उन्होंने बाईसवें आइफा अवार्ड्स में प्रस्तुत किया था 2022 में अभिनेत्री नोरा फतेही ने, ने फिल्म थैंक गॉड के गाने मानिके में अभिनय किया जिसे योहानी ने गाया था जो मूल श्रृंखलाई गीत मानिके मांगे हित का रिमिक्स है वह आयुष्मान खुराना के साथ एन एक्शन हीरो के गाने जिहाद नशा में भी दिखाई दी थी उसी वर्ष उन्होंने दो फीफा विश्व वर्ल्ड विश्व कप के सम्मान समापन समारोह में प्रदर्शन किया था उन्होंने अन्य जजों के साथ डांस दीवाने जूनियर सीजन वन और झलक दिखलाजा दस जैसे डांस शो में जज की भूमिका निभाई है 2018 में फिल्म एस्त्री में गीत कमरिया में उनके साथ काम करने के बाद 2023 में वह राजकुमार राव के साथ अच्छा सिला दिया गीत के दिखाई दी थी इसी गीत को भी ने संगीत विरुद्ध और गाया है जाने के बोल के साथ प्राक फिल्म के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का एक्शन है जिसे उन्नीस सौ पंचानबे की हिंदी फिल्म बेवफा सनम में दिखाया गया था फिल्म फेयर की विदेशी बिद्ध, पाठक ने कहा एक के बाद एक गाने फतेही ने एक्स फते ही ने साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो इतने दृढ़ विश्वास के साथ नृत्य कर सके और ऐसा करते समय आकर्षक सक दिला सकें डावर और जेके जैन जैसे ब्रांडों की प्रचार प्रचार करता है फतेहही ही 2023 में आईफा अवार्ड की दूसरी बार प्रतुष्ट देने वाली एकमात्र अभिनेत्री बनी थी मार्च 2023 में फते ही ने अक्षय अच्छा कुमार के साथ एक इंटरटेनर्स टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया था दिशा पटानी मोनी राय सोनम अपार शक्ति हुर्राना एस्टेबिन बैन और जहरा एसखान ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता विद्युत जमवाल की तो यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉल, जो दोस्तों दोस्तों हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं मार्शल कलाकार और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं वो कला कलारे पर्यटो के भी अभ्यासी हैं उन्होंने दोस्तों कमांडो फिल्म श्रृंखला की उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है बात की जाए दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं उन्होंने तेलुगु में शक्ति के के साथ साथ हिंदी में फोर्स के साथ में फोर्स और तमिल बिल्ला के साथ किया था सभी नकारात्मक भूमिकाओं में उनकी पहली मुख्य भूमिका सफल फिल्म कमांडो में थी वह अनजान की बादशाहो कमांडो टू जंगली यारा कमांडो थ्री और सनक सहित कई विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए हैं ने जान अब्राहम की अभिनीति दो हजार की फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की है जो तमिल भाषा की फिल्म कक्खा कक्खा का रिमेक है उन्होंने फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ पुरुष के लिए फेयर पुरस्कार सहित कई सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार जीता था दो हजार ग्यारह में विद्युत चमाल अभिनेता ने तेलुगु भाषा की फिल्म शक्ति और ओसार वैली में नकारात्मक भूमिका निभाई दोनों में एनटीआर अभिनय किया था 2012 में विद्युत चम्वाल ने बिल्ला के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की अजीत कुमार के साथ प्रतिपक्ष के रूप में जिससे उन्हें आलोचनात्मक सराहना मिली थी उसी वर्ष उन्होंने अभिनेता विजय के साथ थुपकी में खलनायक की भूमिका निभाई जो ब्लॉकबस्टर बन गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिमा पुरस्कार मिला था विद्युत चम्वाल ने बाद में हिंदी भाषा की फिल्म का मांडो में नायक के रूप में अभिनय किया और मैन की सहायता के बिना वास्तविक दुनिया के युद्ध आधारित करवाई की फिल्म को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2013 हज़ार तेरह जुलाई दो में मांट्रियल में फैक्टिसिया फिल्म फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था इसके बाद दोस्तों सितंबर 2013 दो में टेक्सास में फैस फैक्टासिस फेस्ट में स्क्रीनिंग की गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एक्शन निर्देशक एक्शन निर्देशकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसे ब्रूस ली और टोनी जैको भारत का जवाब बताया गया था कमांडो की सफलता के बाद उन्होंने तिंगमाशु होलिया की बुलेट राजा में भी एक सर्क शूटर पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई 2014 में उन्होंने सूर्या के साथ तमिल भाषा की फिल्म में अनजान में सहायक भूमिका निभाई 2017 में उन्होंने कमांडो की अगली कड़ी कमांडो 2 में दिखाई दिए थे जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उस वर्ष उनकी अगली रिलीज बादशाह थी जिसमें उन्होंने मेजर शेहर सिंह की भूमिका निभाई फिल्म ने दुनियाभर में औसत कारोबार किया था 2019 में विद्योत जामाल ने अमेरिकी निर्देशक चक्र सेल की पहली बॉलीवुड फिल्म जंगली और कमांडो थ्री अभिनय किया था बाद में उन्होंने कमांडो श्रृंखला में लौटते देखा गया था और फ्रेंचाइज की सबसे सफल बिना फिल्म बन गई थी और उनकी अगली परियोजना तिंगमासु धोरिया की यारा थी जो फ्रेंड फ्रांसीसी फिल्म लेस लियोनिस की आधिकारिक रीमेक थी यारा बिधौल द्वारा साइन की गई तीन फिल्मों में से एक थी अन्य दो निर्देशक राम मध्वानी की बड़े प्रारूप की फिल्म थी जो हॉलीवुड की फिल्म तीन सौ के सम्मान आभा पैदा करती है 2020 में वह एक, एक एक्शन थ्रिलर हाफिज में दिखाई दिए जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित थी यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी और इसे सिक्वल इसे सिक्वल, खुदा हफि हाँ चैप्टर की घोषणा भी उसी लीड के साथ की गई थी उन्होंने फिल्म सनक में मुख्य भूमिका निभाई है और विद्युत जामवाल ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया है उसके बाद दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अर्जुन रामपाल भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई दिए हैं यह एक भारतीय अभिनेता है मॉडल फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 एक से अपने अभिनय कैरियर की के शुरुआत की और तब से 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था उन्होंने रॉक ऑन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं उन्होंने दीवानापम दो दिल है तुम्हारा 2002, दो, दिल का रिश्ता 2003, वादा 2005 और साई सी यू 2006 एक्शन फिल्म असंभव 2004 और थ्री डी डे सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है 2013 में थ्रिलर यकीन 2015 दो और राय 2015 सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यूह 2000 बारह क्राइम ड्रामा इंकार इनकार 2013 और बायोपिक डायरी 2017 बॉस 2002 रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड आया जब उन्होंने आंखें के कास्ट किया गया था जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म और डॉन 2006 ओम शांति ओम 2007 हाउसफुल 2010 राजनीतिक 2010 रावण 2011 और कहानी टू दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल, नेल दो हजार शामिल है बात की जाए दोस्तों रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार और मोहब्बत अब हजार एक से, से, से कीर्ति रेड्डी के साथ की थी रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचना को की प्रशांस अजीत की और इंडिया एफ एम के तरण आदर्श ने लिखा कि प्यार इश्क और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का एक शोषक है लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है उनके भावनात्मक क्षणों को परिपक्वता के साथ दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है और उसके भावनात्मक क्षणों को परिपक्ता के साथ संभालता है जो बहुत कम पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत है इसने रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक ग्रानी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवदित अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया था लेकिन स्टार स्क्रीनिंग और आईफा समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष श्रेणी में पुरस्कारों की बदला बदली कर ली थी उनकी अगली रिलीज त्रिखा की दीवान अपम थी जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया गया दिया मेजा के साथ थी और अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रसाश मिली लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और इंडिया के, के, इंडिया के एफ एम के तरुण आदर्श ने लिखा अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलते चलाते और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं जो पूरे समय एक सम्मान रहता है और एक में है और भावनात्मक क्षणों को उचित प्रतुष्ट देकर सुखद औचार्य पैदा करते हैं रेडिफ के आशीष मंगोत्रा ने रामपाल की रामपाल पर नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा अभिनेताओं ने अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्थ रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं वही मॉडलिंग करते हैं और उनकी अभिनय क्षमताएं बातचीत होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है बर्स की बोर्ष की उनकी आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मिच थी या वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी मिर्चा में मुख्य भूमिका में रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोयराला थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रामपाल की लगातार तीसरी फिल्म फ्लॉप फिल्म थी लेकिन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की थी कि दोस्तों हमारे चैनल पे मात्र मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिल्म की डायरेक्टर आदित्य दत्त के डायरेक्टर में बनी फिल्म तेईस फरवरी दो हजार चौबीस को रिलीज हुई मूवी क्रैक मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म में अभिनेता अर्जुन रामपाल नोरा फतेही, विद्युत चमाल एमी जैक्सन जैसे और बड़े दिग्गज स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित आदित्य दत्त रेहान खान समीर मोमिन मोहिंदर प्रताप सिंह ने मिलकर इस फिल्म का लेखे थे जबकि फिल्म के उत्पादित विद्युत दमल अब्बास सैयद ने उत्पादित किया था फिल्म का संगीत विक्रम मांट्रोस और गाने मिथुन एम सी स्वाय स्वायर तनसिक बख्ती विक्रम मांट्रोस ने मिलकर इस फिल्म का संगीत दिया था फिल्म को दोस्तों तेईस फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म का रनर टाइम एक से चौवन मिनट के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था फिल्म की बजट 45 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है इस फिल्म को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सोलह पॉइंट पचहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था इस फिल्म में दोस्तों संग, फिल्म का संगीत बख्शी एम सी स्वयर विक्रम मांट्रोज और मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत पर तुष्टि सैनी तंसिक बक्सि शेखर अशिवस्तव पैराडस मिथुन और अभिनव शेखर और विक्रम मांट्रोज ने लिखा है लेकिन दोस्तों आपको बतलाएं फिल्म क्रेक को इसके एक्शन दृश्य असाधारण और तकनीकी पहलुओं की प्रशांस के साथ आलोचको से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली है लेकिन दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना की गई है समीक्षा भी ग्रेटर वेबसाइट रटन टोचको में से चौदह परसेंट की समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से चार है टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने पांच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक जीतेगा जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर पेश करता है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताजा झलक पेश करता है हालांकि यह पूर्वानुमानित ट्रांसफर ट्रांस पर निर्भरता है और कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है फर्स्ट पोस्ट के अगर लावे ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रैक के एक्शन और स्टैंड और एस्टंडर में उच्च है लेकिन रोमांस की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है फ्रेंड बॉलीवुड हंगामा बॉलीवुड हंगामा समीक्षक ने पाँच में से दो स्टार दिए और इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तकनीकी पहलू की की थी लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रोना टाइम की आलोचना की पिंक विल्ला के रिशल जोगानी ने पाँच में से दो स्टार दिए और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है न्यूज एटीन के सुनील दोधिया ने पांच में से वन स्टार दिया और लिखा विद्युत जमाल और अर्जुन रामपाल एक एक्शन इंटरनेट एक एक्शन इंटरटेनर सिक्वर्ड गेम का एक सस्ता और मूर्खता पुनः संस्करण है रेडिफ के मयूर सनप सनम ने पांच में से वन स्टार दिए और लिखा बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रेक बिल्कुल बकवास है एनडीटीवी के शैबल चटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार रेटिंग दिया और राय की क्रेक भयानक अभिनय और भट्ट का, भट्टाओं पूर्ण संपादन एक स्पष्ट पृष्ठभूमि ऐश्कुर और अतिरिंजित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है हिंदुस्तान टाइम की मोनिका राव कुकरेजा ने लिखा कि क्रेक न केवल सभी एड्रेन एड्रेनाला इन दीवानों को की का आनंद लेने के लिए बिल बुला रहा है बल्कि वह उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों पर इन जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने लिखा कि क्रेक आउस, क्रेक अनावश्यक रूप से जटिल लंबा और आत्मा तोड़फोड़ करने वाला है दोस्तों बात करें फिल्म क्रेक मूवी की तो इस फिल्म को दोस्तों रिलीज तेईस फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कमाई कर रही है आपको है दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता विदुत और अर्जुन रामपाल नौराफते ही एमिस जैक्सन अभिनेत्री की जोड़ी में बनी फिल्म है लेकिन दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विद्युत चमवाल यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं वही दोस्तों इनके साथ में अभिनेत्री फतेही भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में दिखाई दी है जो यह एक भारतीय अभिनेत्री है भारत में स्थित और कन्नडाई नाटक अभिनेत्री है जो हिंदी तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देती है नोरा फतेही अभिनेत्री ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर रोबांस से की थी फतेही ने टेंपर बाहुबली द बिगनिंग और टू जैसी फिल्मों में अपने आइटम गानों के लिए तेलुगु फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की है और दोनों लायम फिल्मों डबल बैरल और कैम कुलम को चुनी में भी अभिनय किया है 2015 में फतेह ही ने रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस नौ में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया 2016 में वह रियलिटी टेलीविजन डांस शो झलक दिखलाजा में एक प्रतिभागी थी और वह बॉलीवुड फिल्म सत्यमेवा जनते में दिखाई दी है जहां उन्होंने दिलबर गाने के रिकॉर्ड रिकॉर्डेड वर्जन में दिखाया गया था और इस गाने ने और इस गाने ने रिलीज के लिए रिलीज के पहले चौबीस घंटे के भीतर यूट्यूब पर बीस मिलियन व्यूज़ पार कर लिए थे जिन्होंने यह पहला हिंदी गाना बन गया था भारत में ऐसे नंबर हासिल करने में उन्होंने दिलवर गीत दिलवर गीत का अरबी संस्करण जारी करने के लिए रुकम हिप हॉप समूह अनायर से साथ भी सहयोग लिया था 2019 में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी डेब्यू गीता पेपेटा रिलीज रिलीज करने के लिए पंजानियम संगीतकार और संगीतकार रेव रेवनी के साथ सहयोग किया था अक्टूबर 2022 में उन्होंने कतर के कतर में 2022 फीफा विश्व कप के लिए एक गीत लाइफ द स्काई में कलाकार रेडवर्न बालाकिच बाला, और रहमान रियाद के साथ काम करने के लिए चुना गया था अभिनेत्री नोरा फतेही ने तब से हिंदी फिल्मों में एस्ट्रेष्ठ डांसर थ्री डी दो हजार बीस भोज द प्राइड ऑफ इंडिया 2021 में सहायक भूमिका में निभाए थी। उन्होंने टेलीविजन शो डांस जूनियर्स और झलक को भी जज किया था। फतेही का जन्म और पालन पोषण कनाडा में हुआ है और वह मूल मुल्की है उन्होंने टोरंटो के वेस्ट व्यू और एस्टेनियल सेकेंडरी स्कूल से स्थान तक की उपाधि प्राप्त की है उन्होंने यार्क विश्वविद्यालय में राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और संबंधों का ध्यान किया है। उन्होंने में कहा कि वह खुद को दिल से एक भारतीय मानती है अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर वंश में पहली अपनी पहली उपस्थिति से की थी इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथन की फिल्म टेम्पर में आइटम नंबर टोरटेगो और पोधाम के साथ तेलुगू फिल्मों में कदम रखा था उन्होंने विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म मिस्टर एक्स में इमरान हाशमी और गुरमित चौधरी के साथ एक विशेष भूमिका निभाई है अभिनेत्री नोरा फतेही इसके बाद बाहुबली तक बिगन के गाने मनोहारी और किकटू के गाने कु जैसी फिल्मों के लिए आइटम नंबर में दिखाई दी है 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म साइन किया और अगस्त 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म लोफर साइन की जो पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित जिसमें वरुण तेज मुख्य भूमिका में, में हैं उन्होंने नवंबर नवंबर 2015 के अंत में एक फिल्म ओपिरी भी साइन की है दिसंबर 2015 में फतेहही ने नौवें सीजन में वर्ल्ड कार्ड प्रवेशी के रूप में बिग बॉस के घर में प्रवेश किया था बारहवीं सप्ताह दिन तिरासी में बेदखल होने से पहले उन्होंने तीन सप्ताह के अंदर बिताए उन्होंने 2016 में रियलिटी टेलीविजन शो झलक दिखलासा में भी भाग लिया था उन्होंने संजय सूरीम के साथ अभिनेत्री के रूप में फिल्म माय बर्थडे संग्स में अभिनय किया था फरवरी 2019 में उन्होंने एक विशेष कलाकार के रूप में रिकॉर्ड लेवल टी सीरीज के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे और उनकी आगामी आग फिल्मों संगीत वीडियो वेब श्रृंखला और वेब फिल्मों में काम करेगी इसके बाद दोस्तों वह दो हजार बीस की डांस फिल्म एस्ट्रेट डांसर थ्रीडी में दिखाई थी जो सहायक भूमिका के साथ की पहली फिल्म बन गई और 6 मार्च 2021 को फतेह ही पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बन गई थी जिनके गाने दिलबर ने यूट्यूब पर एक बिलियन व्यूज पार कर लिए थे उन्होंने जैक नाइट के एक सहयोग से डॉटी लिटल लिटल स्क्रिप्ट गीत के साथ अपना अंतरराष्ट्रीय एकल डेब्यू भी किया था जिसके बाद उन्होंने बाईसवें आईफा अवार्ड्स में प्रत्युत किया था 2022 में अभिनेत्री नोरा फतेही ने फिल्म थैंक गॉड के गाने माने के में अभिनय किया जिसे योहानी ने गाया था जो मूल श्रृंखलाई गीत माने के मांगे हित का रिमिक्स है वह आयुष्मान कुराना के साथ एन एक्शन हीरो के गाने जहाद नशा में भी दिखाई दी थी उसी वर्ष उन्होंने 2022 फीफा विश्व वर्ल्ड विश्व कप के सम्मान समापन समारोह में प्रदर्शन किया था उन्होंने अन्य जजों के साथ डांस दीवाने ने यूनिवर जूनियर सीजन वन और झलक दिखलाजा दस जैसे डांस शो में जस के भूमिका निभाई है 2018 में फिल्म एस्त्री में गीत कमरिया में उनके साथ काम करने के बाद 2023 में वह राजकुमार राव के साथ अच्छा शिला दिया गीत की दिखाई दी थी इसी गीत को भी ने संगीत विरुद्ध और गाया है जानी के बोल के शांत प्राक फिल्म के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यह एसन है जिसे उन्नीस सौ पंचानवे की हिंदी फिल्म बेवफा सनम में दिखाया गया था फिल्म फिल्मीफेयर की विदेशी पाठक ने कहा एक के बाद एक गाने फतेही ने एक्स फतेही ने साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो इतने दृढ़ विश्वास के साथ नृत्य कर सके और ऐसा करते समय आकर्षक सक दिला सके डाबर और जेके जैन जैसे ब्रांडों की प्रचार प्रचार करता है फतेही ही दो हजार तेईस में आईफा अवार्ड की दूसरी बार प्रतिष्ठित देने वाली एकमात्र अभिनेत्री बनी थी मार्च 2023 में पते ही ने अक्षय अच्छा कुमार के साथ एक एंटरटेनर टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया था दिशा पटानी मौनी राय सोनम बावजा अप और अपार शक्ति हुर्राना एस्टेबिन बैन और जहरा एसखान ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता है जो दोस्तों बॉल, जो दोस्तों दोस्तों हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं मार्शल कलाकार और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं वो कला कलारी प्रियो के भी अभ्यासी हैं उन्होंने दोस्तों कमांडो फिल्म श्रृंखला की उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है बात की जाए दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं उन्होंने तेलुगु में शक्ति के साथ हिंदी में फोर्स के साथ और तमिल में बिल्ला के साथ डेब्यू किया था सभी नकारात्मक भूमिकाओं में उनकी पहली मुख्य भूमिका सफल फिल्म कमांडो में थी वह अनजान थुपकी बादशाह कमांडो टू जंगली यारा, कमांडो थ्री और सनक सहित कई विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए हैं विद्युत जामवाल ने जान अब्राहम की अभिनिति दो हजार ग्यारह की फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की है जो तमिल भाषा की फिल्म कक्खा कक्खा का रीमेक है उन्होंने फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ पुरुष के लिए पुरस्कार सहित कई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था दो हजार ग्यारह में विद्युत चमाल अभिनेता ने तेलुगु भाषा की फिल्म शक्ति और ओसार वैली में नकारात्मक भूमिका निभाई दोनों में एन अभिनय किया था 2012 में विद्युत चमवाल ने बिल्ला के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की अजीत कुमार के साथ प्रतिपक्ष के रूप में जिससे उन्हें आलोचनात्मक सराहना मिली थी उसी वर्ष उन्होंने अभिनेता विजय के साथ पक्की में खलनायक की भूमिका निभाई जो ब्लॉकबस्टर बन गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिमा पुरस्कार मिला था विद्युत चम्पाल ने बाद में हिंदी भाषा की फिल्म का मांडो में नायक के रूप में अभिनय किया और मैन की सहायता के बिना वास्तविक दुनिया के युद्ध आधारित कार्रवाई की फिल्म को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2013 हजार दुज जुलाई 2013 हजार में मॉन्ट्रियल में फैक्टिसिया फिल्म फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था इसके बाद दोस्तों सितंबर 2013 दो में टेक्सास में टैक्स फैक्टासिस फेस्ट में स्क्रीनिंग की गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एक्शन निर्देशकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसे ब्रूस ली और टोनी जैको भारत का जवाब बताया गया था कमांडो की सफलता के बाद उन्होंने तिंगमाशु धोलिया की बुलेट राजा में भी एक सर्क शूटर पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई 2014 में उन्होंने सूर्या के साथ तमिल भाषा की फिल्म में अनजान में सहायक भूमिका निभाई 2017 में उन्होंने कमांडो की अगली कड़ी कमांडो टू में दिखाई दिए थे जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उस वर्ष उनकी अगली रिलीज बादशाह थी जिसमें उन्होंने मेजर शेहर सिंह की भूमिका निभाई फिल्म ने दुनिया भर में औसत कारोबार किया था 2019 में विद्युत जामवाल ने अमेरिकी निर्देशक चक्र सेल की पहली बॉलीवुड फिल्म जंगली और कमांडो थ्री अभिनय किया था बाद में उन्होंने कमांडो श्रृंखला में लौटते देखा गया था और फ्रेंचाइजी की सबसे सफल बिना फिल्म बन गई थी और उनकी अगली परियोजना तिंगमा सुधोरिया की यारा थी जो फ्रेंड फ्रांसीसी फिल्म लेस लियोनिस की आधिकारिक रीमेक थी यारा विधोल द्वारा साइन की गई तीन फिल्मों में से एक थी अन्य दो निर्देशक राम मध्धवानी की बड़े प्रारूप की, की फिल्म थी जो हॉलीवुड की फिल्म तीन सौ के सम्मान अभा पैदा करती है 2020 में वह एक, एक एक्शन थ्रिलर खुदा हाफिज़ में दिखाई दिए जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित थी यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी और इसे सिक्वल, इसे सिक्वल, खुदा हाफिज चैप्टर की घोषणा भी उसी लीड के साथ की गई थी उन्होंने फिल्म सनक में अभिनय मुख्य भूमिका निभाई है और विद्युत चामवाल ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया है उसके बाद दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अर्जुन रामपाल भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई दिए हैं यह एक भारतीय अभिनेता है मॉडल फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व तो है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 से अपने अभिनय कैरियर की के शुरुआत की और तब से 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था उन्होंने राक ऑन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं उन्होंने दीवाना दो 2001, दिल है तुम्हारा 2002, दो दिल का रिश्ता 2003, वादा पाँच और साई सी यू दो हजार एक्शन फिल्म असंभव 2004 और थ्री डी डे सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है 2013 में थ्रिलर यकीन 2015 2005 दो हजार और राय 2015 सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यूह दो हजार बारह क्राइम ड्रामा इंकार 2013 और बायोपिक डायरी 2017 बॉस 2002 रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड आया जब उन्होंने आंखें के कास्ट किया गया था जोन की पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म और डॉन 2006 ओम शांति ओम 2007 हाउसफुल 2010 राजनीतिक 2010 रावण 2011 और कहानी टू दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल और नेल दो 2021 शामिल है बात की जाए दोस्तों रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार और मोहब्बत दो एक से सुनील और आफ्ताब रेड्डी के साथ की थी रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचना आलोचकों की प्रशांस अजीत की और इंडिया एफ एम के तरण आदर्श ने लिखा कि प्यार इश्क और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का एक शोषक है लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है उनके भावनात्मक क्षणों को परिपक्वता के साथ दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है और उसके भावनात्मक क्षणों को परिपक्ता के साथ संभालता है जो बहुत तो कम पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत है इसने रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक ग्रानी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवदित अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया था लेकिन स्टार स्क्रीनिंग और आईफा समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष श्रेणी में पुरस्कारों की बदला बदली कर ली थी उनकी अगली रिलीज त्रिखा की अपम थी जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया गया दिया मेर्जा के साथ थी और अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और इंडिया के, के, इंडिया के एफ एम के तरुण आदर्श ने लिखा अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलते चलाते और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं जो पूरे समय एक सम्मान रहता है और एक्शन दृश्य में आदृत है और भावनात्मक क्षणों को उचित प्रतुष्ट देकर सुखद और औचार्य पैदा करते हैं रेडिफ के आशीष मंगोत्रा ने रामपाल की रामपाल पर नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा अभिनेताओं ने अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्थुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं वही मॉडलिंग करते हैं और उनकी अभिनय क्षमताएं बातचीत होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है बर्स की बोर्ष की उनकी आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मिथ थी यह वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी मिश्र में मुख्य भूमिका में रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रामपाल की लगातार तीसरी फिल्म फ्लॉप फिल्म थी लेकिन रामपाल ने आलोचकों की प्रशांस अर्जित की थी आप लोग को बताएंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त की डायरेक्टर में बनी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा जिस फिल्म को हम आज इस वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों हमारे चैनल पे मात्र मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिल्म की डायरेक्टर आदित्य दत्त की डायरेक्टर में बनी फिल्म 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई मूवी क्रैक मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अर्जुन रामपाल फतेहही जमाल जा, एमी जैक्सन जैसे और बड़े दिग्गज स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित आदित्य दत्त रेहान खान समीर मोमिन मोहिंदर प्रताप सिंह ने मिलकर इस फिल्म का लेखे थे जबकि फिल्म के उत्पादित विद्युत जमाल अब्बास ने उत्पादित किया था फिल्म का संगीत विक्रम मांड्रोस और गाने मिथुन विक्रम मांट्रोस ने मिलकर इस फिल्म का संगीत दिया था फिल्म को दोस्तों तेईस फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म का रन टाइम एक से चौवन मिनट के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था फिल्म की बजट मात्र पैतालीस करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है इस फिल्म को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सोलह पॉइंट पचहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था इस फिल्म में दोस्तों फिल्म का संगीत तानसिक बख्ची एम सी स्वयर विक्रम मांट्रोज और मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत प्रतुष्ट सैनी तंसिक बख्ची शेखर अशिवस्तव पैराडस मिथुन और अभिनव शेखर और विक्रम मांट्रोज ने लिखा है लेकिन दोस्तों आपको बताए फिल्म क्रेक को इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तक, तकनीकी पहलुओं की प्रशांस के साथ आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली है लेकिन दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट और रनर टाइम की आलोचना की गई है समीक्षा एग्री ग्रेटर वेबसाइट पर रटंट को में से चौदह परसेंट की समीक्षा है सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से चार है टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक जीतेगा क्रेक जीतेगा तो जिएगा रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पेश करता है। जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताजा झलक पेश करता है हालांकि यह अनुमानित ट्रांसफर ट्रांसफर निर्भरता है और कुछ हद तक कमजोर का हानि आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है फर्स्ट पोस्ट के गणेश अग लावे ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रैक एक्शन और स्टंड और एस्टंडर में उच्च है लेकिन रोमांस की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है फ्रेंड बॉलीवुड हंगामा बॉलीवुड हंगामा समीक्षक ने पाँच में से दो स्टार दिए और इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तकनीकी पहलू की की थी लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रोनर टाइम की आलोचना की पिंका के रिशल जुगानी ने पांच में से दो स्टार दिए और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है न्यूज एटीन के सुनील दोधिया ने पाँच में से वन स्टार दिया और लिखा विद्युत जमाल और अर्जुन रामपाल एक एक्शन इंटरनेट एक एक्शन इंटरटेनर सिक्व गेम का एक सस्ता और मूर्खतापूर्ण संस्करण है रेडिफ के मयूर सनम सनप ने पांच में से वन स्टार दिए और लिखा बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रैक बिल्कुल बकवास है एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार रेटिंग दिया और राय की क्रैक भयानक अभिनय और भट्ट भटका, पूर्ण संपादन एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अतिरिंजित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है हिंदुस्तान टाइम की मोनिका राव कुकरेजा ने लिखा कि क्रेक न केवल सभी एड्रेन, एड्रेनाला इन दीवानों का आनंद लेने के लिए बिल बुला रहा है बल्कि वह उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों पर इन जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने लिखा कि क्रेक आउस, क्रेक अनावश्यक रूप से जटिल लंबा और आत्मा तोड़फोड़ करने वाला है दोस्तों बात करें फिल्म क्रेक मूवी की तो इस फिल्म को दोस्तों रिलीज तेईस फरवरी दो हजार चौबीस को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कमाई कर रही है आपको है दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता विद्युत और अर्जुन रामपाल नौराफते ही एमिस जैक्सन अभिनेत्री की जोड़ी में बनी फिल्म है लेकिन दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विद्युत चमाल यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं वही दोस्तों इनके साथ में अभिनेत्री नोराफते ही भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में दिखाई दी है जो यह एक भारतीय अभिनेत्री है भारत में स्थित और कन्नडाई नाटक अभिनेत्री है जो हिंदी तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देती है नोरा फतेही अभिनेत्री ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर बंस से की थी फतेही ने टेंपर बाहुबली द बिगनिंग और टू जैसी फिल्मों में अपने आइटम गानों के लिए तेलुगु फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की है और दोनों लाइम फिल्मों डबल बैरल और कैम कुलम को चुनी में भी अभिनय किया है 2015 में फतेह ही ने रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस नौ में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया 2016 में वह रियलिटी टेलीविजन डांस शो झलक दिखलाजा में एक प्रतिभागी थी और वह बॉलीवुड फिल्म सत्यमेवा जनते में दिखाई दी है जहां उन्होंने दिलबर गाने के रिकॉर्ड रिकॉर्डेड वर्जन में दि, दिखाया गया था और इस गाने ने और इस गाने ने रिलीज के लिए रिलीज के पहले चौबीस घंटे के भीतर यूट्यूब पर बीस मिलियन व्यूज़ पार कर लिए थे जिन्होंने यह पह पहला हिंदी गाना बन गया था भारत में ऐसे नंबर हासिल करने में उन्होंने दिलवर गीत दिलवर गीत का अरबी संस्करण जारी करने के लिए रुकम हिप हॉप समूह अनायर से साथ भी सहयोग लिया था 2019 में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी डेब्यू गीता पेपेटा रिलीज रिलीज करने के लिए पंजानियम संगीतकार और संगीतकार रे, रेवनी के साथ सहयोग किया था अक्टूबर 2022 में उन्होंने कतर के कतर में 2022 फीफा विश्व कप के लिए एक गीत लाइफ द स्काई में कलाकार रेडवर्न मनालिच और रहमान रियाद के साथ काम करने के लिए चुना गया था अभिनेत्री नोरा फतेही ने तब से हिंदी फिल्मों में एस्ट्रेष्ठ डांसर थ्री डी दो हजार बीस भोज द प्राइड ऑफ इंडिया 2021 में सहायक भूमिका में निभाई थी उन्होंने टेलीविजन शो डांस दीवाने जूनियर्स और झलक दिखलाजा दस को भी जज किया था फतेही का जन्म और पालन पोषण कनाडा में हुआ है और वह की है उन्होंने टोरंटो के वेस्ट व्यू और एस्टेनियल सेकेंडरी स्कूल से स्थान तक की उपाधि प्राप्त की है उन्होंने यार्क विश्वविद्यालय में राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और संबंधों का ध्यान किया है। उन्होंने में कहा कि वह खुद को दिल से एक भारतीय मानती है अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर वंश में पहली अपनी पहली उपस्थिति से की थी इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथन की फिल्म टेम्पर में आइटम नंबर ट्रंटेगो और रेची पोधाम के साथ तेलुगु फिल्मों में कदम रखा था उन्होंने विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म मिस्टर एक्स में इमरान हाशमी और गुरम चौधरी के साथ एक विशेष भूमिका निभाई है अभिनेत्री नोरा फतेही इसके बाद बाहुबली तक बिगन के गाने मनोहारी और किकटू के गाने कु जैसी फिल्मों के लिए आइटम नंबर में दिखाई दी है 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म साइन किया और अगस्त 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म लोफर साइन की जो पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित जिसमें वरुण तेज मुख्य भूमिका में, में हैं उन्होंने नवंबर नवंबर 2015 के अंत में एक फिल्म ओपिरी भी साइन की है दिसंबर 2015 में फतेहही ने नौवें सीजन में वर्ल्ड कार्ड प्रवेशी के रूप में बिग बॉस के घर में प्रवेश किया था बारहवीं सप्ताह दिन तिरासी में बेदखल होने से पहले उन्होंने तीन सप्ताह के अंदर बिताए उन्होंने 2016 में रियलिटी टेलीविजन शो झलक दिखलासा में भी भाग लिया था उन्होंने संजय सूरीम के साथ अभिनेत्री के रूप में फिल्म माय बर्थडे सं में अभिनय किया था फरवरी 2019 में उन्होंने एक विशेष कलाकार के रूप में रिकॉर्ड लेवल टी सीरीज के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे और उनकी आगामी आग फिल्मों संगीत वीडियो वेब श्रृंखला और वेब फिल्मों में काम करेगी इसके बाद दोस्तों वह दो हजार बीस की डांस फिल्म एस्ट्रीट डांसर 3डी में दिखाई दी जो सहायक भूमिका के साथ की पहली फिल्म बन गई और 6 मार्च दो हजार इक्कीस को फतेह ही पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बन गई थी जिनके गाने दिलवर ने यूट्यूब पर एक बिलियन व्यूज पार कर लिए थे उन्होंने जैक नाइट के एक सहयोग से डॉटी लिटल लिटल स्क्रिप्ट गीत के साथ अपना अंतरराष्ट्रीय एकल डेब्यू भी किया था जिसके बाद उन्होंने बाईसवें आईफा अवार्ड्स में प्रत्युत किया था 2022 में अभिनेत्री नोरा फतेही ने फिल्म थैंक गॉड के गाने माने के में अभिनय किया जिसे योहानी ने गाया था जो मूल श्रृंखलाई गीत मान के मांगे हित का रिमिक्स है वह आयुष्मान खुराना के साथ एक्शन हीरो के गाने जहाद नशा में भी दिखाई दी थी उसी वर्ष उन्होंने दो फीफा विश्व वर्ल्ड विश्व कप के सम्मान समापन समारोह में प्रदर्शन किया था उन्होंने अन्य जजों के साथ डांस दीवाने ने जूनियर सीजन वन और झलक दिखलाजा दस जैसे डांस शो में जस की भूमिका निभाई है 2018 में फिल्म एस्त्री में गीत कमरिया में उनके साथ काम करने के बाद 2023 में वह राजकुमार राव के साथ अच्छा शिला दिया गीत की दिखाई दी थी इसी गीत को भी ने संगीत वृद्ध और गाया है जाने के बोल के शांत प्राक फिल्म के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यह एसन है जिसे उन्नीस सौ पंचानवे की हिंदी फिल्म बेवफा सनम में दिखाया गया था प्यार की विदेशी पाठक ने कहा एक के बाद एक गाने फतेही ने एक्स फतेही ने साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो इतने दृढ़ विश्वास के साथ नृत्य कर सके और ऐसा करते समय आकर्षक सक दिला सके डाबर और जेके जैन जैसे ब्रांडों की प्रचार प्रचार करता है फतेही ही में आईफा अवार्ड की दूसरी बार प्रतुष्ट देने वाली एकमात्र अभिनेत्री बनी थी मार्च 2023 में पते ही ने अक्षय अच्छा कुमार के साथ एक एंटरटेनर टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया था दिशा पटानी मौनी राय सोनम बवजा अप और अपार शक्ति हुर्राना एस्टेबिन बैन और जहरा एसखान ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता है जो दोस्तों बॉल, जो दोस्तों दोस्तों हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं मार्शल कलाकार और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं वो कला कलारी प्रियो के भी अभ्यासी हैं उन्होंने दोस्तों कमांडो फिल्म श्रृंखला की उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है बात की जाए दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं उन्होंने तेलुगु में शक्ति के साथ हिंदी में फोर्स के साथ और तमिल में बिल्ला के साथ डेब्यू किया था सभी नकारात्मक भूमिकाओं में उनकी पहली मुख्य भूमिका सफल फिल्म कमांडो में थी वह अनजान की बादशाहों कमांडो टू जंगली यारा, कमांडो थ्री और सनक सहित कई विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए हैं विद्युत जामवाल ने जान अब्राहम की अभिनीति दो हजार ग्यारह की फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की है जो तमिल भाषा की फिल्म कक्षा कक्षा का रिमेक है उन्होंने फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ के लिए पुरस्कार सहित कई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था दो हजार ग्यारह में विद्यो चमाल अभिनेता ने तेलुगु भाषा की फिल्म शक्ति और ओसार वैली में नकारात्मक भूमिका निभाई दोनों में एंटीआर अभिनय किया था 2012 में विद्युत जमवाल ने बिल्ला के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की अजीत कुमार के साथ प्रतिपक्ष के रूप में जिससे उन्हें आलोचनात्मक सराहना मिली थी उसी वर्ष उन्होंने अभिनेता विजय के साथ पक्की में खलनायक की भूमिका निभाई जो ब्लॉकबस्टर बन गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सीमा पुरस्कार मिला था विद्युत चमवाल ने बाद में हिंदी भाषा की फिल्म का मांडो में नायक के रूप में अभिनय किया और मैन की सहायता के बिना वास्तविक दुनिया के युद्ध आधारित करवाई की फिल्म को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2013 हजार जुलाई 2013 हजार में मॉन्ट्रियल में फैक्टिसिया फिल्म फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था इसके बाद दोस्तों सितंबर 2013 दो में टेक्सास में टैक्स फैक्टासिस फेस्ट में स्क्रीनिंग की गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एक्शन निर्देशकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसे ब्रूस ली और टोनी जा भारत का जवाब बताया गया था कमांडो की सफलता के बाद उन्होंने तिंगमाशु धोलिया की बुलेट राजा में भी एक सर्क शूटर पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई 2014 में उन्होंने सूर्या के साथ तमिल भाषा की फिल्म में अनजान में सहायक भूमिका निभाई 2017 में उन्होंने कमांडो की अगली कड़ी कमांडो टू में दिखाई दिए थे जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उस वर्ष उनकी अगली रिलीज बादशाह थी जिसमें उन्होंने मेजर शेहर सिंह की भूमिका निभाई फिल्म ने दुनिया भर में औसत कारोबार किया था 2019 में विद्युत जमाल ने अमेरिकी निर्देशक चक्र सेल की पहली बॉलीवुड फिल्म जंगली और कमांडो थ्री अभिनय किया था बाद में उन्होंने कमांडो श्रृंखला में लौटते देखा गया था और फ्रेंचाइजी की सबसे सफल बिना फिल्म बन गई थी और उनकी अगली परियोजना तिंगमा सुधोरिया की यारा थी जो फ्रेंड फ्रांसीसी फिल्म लेस लियोनिस की आधिकारिक रीमेक थी यारा विधोल द्वारा साइन की गई तीन फिल्मों में से एक थी अन्य दो निर्देशक राम मध्धवानी की बड़े प्रारूप की फिल्म थी जो हॉलीवुड की फिल्म तीन सौ के सम्मान अभा पैदा करती है 2020 में वह एक एक्शन थ्रिलर खुदा हाफिज में दिखाई दिए जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित थी यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी और इसे सिक्वल, इसे सिक्वल खुदा हाफिज चैप्टर की घोषणा भी उसी लीड के साथ की गई थी उन्होंने फिल्म सनक में अभिनय मुख्य भूमिका निभाई है और विद्युत जामवाल ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया है उसके बाद दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अर्जुन रामपाल भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई दिए हैं यह एक भारतीय अभिनेता है मॉडल फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 से अपने अभिनय करियर की के शुरुआत की और तब से 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था उन्होंने रॉक ऑन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं उन्होंने दीवाना पम 2001, दिल है तुम्हारा 2002, दो, दिल का रिश्ता 2003, वादा 2005, और साई सी यू दो हजार एक्शन फिल्म असंभव 2004 और थ्री डी डे सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है 2013 में थ्रिलर याकि हजार पांच और राय 2015 सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यू दो बारह क्राइम ड्रामा इंकार 2013 और बायोपिक डायरी 2017 बॉस 2002 रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड आया जब उन्होंने आंखें के कास्ट किया गया था जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों डॉन 2006 ओम शांति ओम 2007 हाउसफुल 2010 राजनीतिक 2010 रावण 2011 और कहानी टू दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल और नेल दो 2021 शामिल है बात की जाए दोस्तों रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार और मोहब्बत 2001 सुनील शेट्टी एक से सुनील और कीर्ति रेड्डी के साथ की थी रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचना आलोचकों की प्रशांस अजीत की और इंडिया एफ एम के तरन आदाश ने लिखा कि प्यार और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का एक शोषक है लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है उनके भावनात्मक क्षणों को परिपक्ता के साथ दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है और उसके भावनात्मक क्षणों को परिपक्ता के साथ संभालता है जो बहुत कम पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत है इसने रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक रानी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था उन्होंने सर्वश्रेष्ठ के के लिए फिर के लिए पुरस्कार नामांकन किया गया था लेकिन स्टार स्क्रीनिंग और आईफा समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवदित पुरुष श्रेणी में पुरस्कारों की बदला बदली कर ली थी उनकी अगली रिलीज आशु त्रिखा की अपम थी जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया गया, दिया गया मेर्जा के साथ प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रशासन मिली लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और इंडिया के, के, इंडिया के एफ एम के तरुण आदर्श ने लिखा अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलते चलाते और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं जो पूरे समय एक सम्मान रहता है और एक्शन दृश्य में अद्वित है और भावनात्मक क्षणों को उचित प्रतुष्ट देकर सुखद और स्थर्य पैदा करते हैं रेडिफ के आशीष मंगोत्रा ने रामपाल की रामपाल पर नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा अभिनेताओं ने अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्जुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं वही मॉडलिंग करते हैं और उनकी अभिनय क्षमताएं बातचीत होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है वर्ष की, की उनकी आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मिथ्या थी या वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी मिथ्या में मुख्य भूमिका में रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रामपाल की लगातार तीसरी फिल्म फ्लॉप फिल्म थी लेकिन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की थी आप लोग को बताएंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त की डायरेक्टर में बनी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा जिस फिल्म को हम आज इस वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों हमारे चैनल पे मात्र मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू अपकमिंग मूवी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिल्म की डायरेक्टर आदित्य दत्त के डायरेक्टर में बनी फिल्म 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई मूवी क्रैक मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म में सुपर अभिनेता अर्जुन रामपाल नोरा फतेही ही विद्युत जमाल जा, एमी जैक्सन जैसे और बड़े दिग्गज स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित आदित्य दत्त रेहान खान समीर मोमिन मोहिंदर प्रताप सिंह ने मिलकर इस फिल्म का लेखे थे जबकि फिल्म के उत्पादित विद्युत जमाल अब्बास सैयद ने उत्पादित किया था फिल्म का संगीत विक्रम मांट्रोस और गाने मिथुन एम सी स्वायर ने मिलकर इस फिल्म का संगीत दिया था फिल्म को दोस्तों तेईस फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म का रन टाइम एक से चौवन मिनट के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था फिल्म की बजट मात्र पैंतालीस करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है इस फिल्म को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे सोलह करोड़ का कलेक्शन किया था इस फिल्म में दोस्तों फिल्म का संगीत तानसिक बख्शी एमसी सी स्वायर विक्रम मांट्रोज और मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत पर अतुष्टि सैनी तनसिक बख्शी शेखर अश्वस्तव पैराडस मिथुन और अभिनव शेखर और विक्रम मांट्रोज ने लिखा है लेकिन दोस्तों आपको बताए फिल्म क्रेक को इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तक, तकनीकी पहलुओं की प्रशांस के साथ अल्लूसो से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली है लेकिन दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना की गई है समीक्षा एग्री ग्रेटर वेबसाइट रटंट मार्डस पर सातको में से चौदह परसेंट की समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से चार है टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने पाँच पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक जीतेगा क्रेक जीतेगा तो जिएगा रोमांसकारी एक्शन के मोर्चे पर पेश करता है जो बड़े पर्दे पर श्रम खेलों की दुनिया में एक ताजा झलक पेश करता है हालांकि यह पूर्वानुमानित ट्रांसफर ट्रांसफर निर्भरता है और कुछ हद तक कमजोर कहानी आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर सकती है फर्स्ट पोस्ट के अगर लावे ने पाँच में से ढाई स्टार दिए और लिखा क्रेक के एक्शन और स्टंड और एस्टंडर में उच्च है लेकिन रोमांस की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है फ्रेंड बॉलीवुड हंगामा बॉलीवुड हंगामा समीक्षक ने पाँच में से दो स्टार दिए और इसके एक्शन दृश्य असाधारण और, और तकनीकी पहलू की प्रशंसकी थी लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रोना टाइम की आलोचना की पिंका विल्ला के रिशल जोगानी ने पांच दिए और लिखा भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैके एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है न्यूज एटीन के सुनील दुधिया ने पाँच में से वन स्टार दिया और लिखा विद्युत जामाल और अर्जुन रामपाल एक एक्शन इंटरनेट एक एक्शन इंटरटेनर सीक्वेड गेम का एक सस्ता और मूर्खतापूर्ण संस्करण है रेडिफ के मयूर सनम सनप ने पांच में से वन स्टार दिए और लिखा बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रेक बिल्कुल बकवास है एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार रेटिंग दिया और राय की क्रेक भयानक अभिनय और भट्ट पूर्ण संपादन एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अतिरिंजित धौनी डिजाइन से प्रभावित है हिंदुस्तान टाइम की मोनिका राव कुकरेजा ने लिखा कि क्रेक केवल सभी एड्रेन इन दीवानों को का आनंद लेने के लिए बुला रहा है बल्कि वह उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों पर इन जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने लिखा कि क्रेक आउस, क्रेक अनावश्यक रूप से जटिल लंबा और आत्मा तोड़फोड़ करने वाला है दोस्तों बात करें फिल्म क्रेक मूवी की तो इस फिल्म को दोस्तों रिलीज तेईस फरवरी दो हजार चौबीस को रिलीज कर दी गई है इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कमाई कर रही है आपको बताया दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार और अभिनेता बेतु और अर्जुन रामपाल नोरा फते ही एमिस जैक्सन अभिनेत्री की जोड़ी में बनी फिल्म है लेकिन दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विद्युत चमोल यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं वही दोस्तों इनके साथ में अभिनेत्री नोरा ही भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में दिखाई दी है जो यह एक भारतीय अभिनेत्री है भारत में स्थित और कन्नड़ नरक अभिनेत्री है जो हिंदी तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देती है नोरा फतेही अभिनेत्री ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर से की थी फतेही ने टेम्पर बाहुबली द बिगन और कि टू जैसी फिल्मों में अपने आइटम गानों के लिए तेलुगु फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की है और दोनों मुलायम फिल्मों डबल बैरल और कैम कुलम को चुनी में भी अभिनय किया है 2015 में फतेह ने रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस नौ में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया 2016 में वह रियलिटी टेलीविजन डांस शो झलक दिखलाजा में एक प्रतिभागी थी और वह बॉलीवुड फिल्म सत्यमेवा जयंत में दिखाई दी है जहां उन्होंने दिलबर गाने के रिकॉर्डेड वर्जन में दि, दिखाया गया था और इस गाने ने और इस गाने ने रिलीज के लिए रिलीज के पहले 24 घंटे के भीतर यूट्यूब पर 20 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे जिन्होंने यह पहला हिंदी गाना बन गया था भारत में ऐसे नंबर हासिल करने में उन्होंने दिलवर गीत दिल्बर गीत का अरबी संस्करण जारी करने के लिए रुक्कम हिप हॉप समूह पनायर से साथ भी सहयोग लिया था। 2019 में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी डेब्यू गीता पेपेटा रिलीज रिलीज करने के लिए पंजानियम संगीतकार और संगीतकार रे, रेवनी के साथ सहयोग किया था। अक्टूबर 2022 में उन्होंने कतर के कतर में 2022 हज़ार बाईस फीफा के लिए एक गीत लाइफ द स्काई में कलाकार रेडवर्न मन्नाल बालाच और रियाद के साथ काम करने के लिए चुना गया था अभिनेत्री नोरा फतेही ने तब से हिंदी फिल्मों में एस्ट्रेष्ट डांसर थ्री डी दो हजार बीस भोज द प्राइड ऑफ इंडिया 2021 में सहायक भूमिका में निभाई थी उन्होंने टेलीविजन शो डांस दीवाने जूनियर्स और झलक दिखलाजा दस को भी जज किया था फतेही का जन्म और पालन पोषण कनाडा में हुआ है और वह मोरको मूल की है उन्होंने टोरंटो के वेस्ट व्यू और एस्टेनियल सेकेंडरी स्कूल से स्थान तक की उपाधि प्राप्त की है उन्होंने यार्क विश्वविद्यालय में राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ध्यान किया है। उन्होंने सक्षताकारों में कहा कि वह खुद को दिल से एक भारतीय मानती है अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदर वंश में पहली अपनी पहली उपस्थिति से की थी इसके बाद उन्होंने पूरी जगन्नाथन की फिल्म टेम्पर में आइटम नंबर ट्रंटेगो और पोधाम के साथ तेलुगु फिल्मों में कदम रखा था उन्होंने विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म मिस्टर एक्स में इमरान हाशमी और गुरमित चौधरी के साथ एक विशेष भूमिका निभाई है अभिनेत्री नोरा फतेही इसके बाद बाहुबली दत्त बिगन के गाने मनोहारी और किकटू के गाने कु जैसी फिल्मों के लिए आइटम नंबर में दिखाई दी है 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म साइन किया और अगस्त 2015 के अंत में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म लोफर साइन की जो पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित जिसमें वरुण तेज मुख्य भूमिका में, में हैं उन्होंने नवंबर नवंबर 2015 के अंत में एक फिल्म ओपिरी भी साइन की है दिसंबर 2015 में फते ही ने नौवें सीजन में वर्ल्ड कार्ड प्रवेशी के रूप में बिग बॉस के घर में प्रवेश किया था बारहवीं सप्ताह दिन तिरासी में बेदखल होने से पहले उन्होंने तीन सप्ताह के अंदर बिताए उन्होंने 2016 में रियलिटी टेलीविजन शो झलक दिखलासा में भी भाग लिया था उन्होंने संजय सूरीम के साथ अभिनेत्री के रूप में फिल्म माय बर्थडे संग्स में अभिनय किया था फरवरी 2019 में उन्होंने एक विशेष कलाकार के रूप में रिकॉर्ड लेवल टी सीरीज के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे और उनकी आगामी आग फिल्मों संगीत वीडियो वेब श्रृंखला और वेब फिल्मों में काम करेगी इसके बाद दोस्तों वह 2020 की डांस फिल्म एस्ट्रिट डांसर थ्री में दिखाई दी जो सहायक भूमिका के साथ की पहली फिल्म बन गई और 6 मार्च 2021 को फतेह ही पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बन गई थी जिनके गाने दिलवर ने यूट्यूब पर एक बिलियन व्यूज पार कर लिए थे उन्होंने जैक नाइट के एक सहयोग से डॉटी लिटल लिटल स्क्रिप्ट गीत के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय एकल डेब्यू भी किया था जिसके बाद उन्होंने बाईसवें आईफा अवार्ड्स में प्रस्तुत किया था 2022 में अभिनेत्री नोरा फतेही ने फिल्म थैंक गॉड के गाने माने के में अभिनय किया जिसे योहानी ने गाया था जो मूल श्रृंखलाई गीत मानी के मांगे हित का रिमिक्स है वह आयुष्मान खुराना के साथ एन एक्शन हीरो के गाने जहाद नशा में भी दिखाई दी थी उसी वर्ष उन्होंने दो हजार बाईस फीफा विश्व वर्ल्ड विश्व कप के सम्मान समापन समारोह में प्रदर्शन किया था उन्होंने अन्य जजों के साथ डांस दीवाने ने जूनियर सीजन वन और झलक दिखलाजा दस जैसे डांस शो में जस की भूमिका निभाई है 2018 में फिल्म एस्त्री में गीत कमरिया में उनके साथ काम करने के बाद 2023 में वह राजकुमार राव के साथ अच्छा शिला दिया गीत की दिखाई दी थी इसी गीत को भी ने संगीत विरुद्ध और गाया है जाने के बोल के शांत प्राक फिल्म के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यह उन्हें से पंचानवे की हिंदी फिल्म बेवफा सनम में दिखाया गया था प्यार की विदेशी पाठक ने कहा एक के बाद एक गाने फते ही ने एक्स फतेही ने साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो इतने दृढ़ विश्वास के साथ नृत्य कर सके और ऐसा करते समय आकर्षक सक दिला सके डावर और जेके जैन जैसे ब्रांडों की प्रचार प्रचार करता है फतेही ही 2023 में आईफा अवार्ड की दूसरी बार प्रत देने वाली एकमात्र अभिनेत्री बनी थी मार्च 2023 में फतेह ही ने अक्षय अच्छा कुमार के साथ एक इंटरटेनर टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया था दिशा पटानी मौनी राय सोनम बावजा अप और अपार शक्ति हुर्राना एस्टेबिन बैन और जहरा खान ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता विद्युत जमवाल की तो यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉल जो दोस्तों हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं मार्शल कलाकार और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं वो कला कलारी प्रिया के भी अभ्यासी हैं उन्होंने दोस्तों कमांडो फिल्म श्रृंखला की उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है बात की जाए दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं उन्होंने तेलुगु में शक्ति के साथ हिंदी में फोर्स के साथ और तमिल में बिल्ला के साथ डेब्यू किया था सभी नकारात्मक भूमिकाओं में उनकी पहली मुख्य भूमिका सफल फिल्म कमांडो में थी वह अनजान थुपकी बादशाह कमांडो टू जंगली यारा कमांडो थ्री और सनक सहित कई विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए हैं विद्युत जामवाल ने जान अब्राहम की अभिनीति दो हजार ग्यारह की फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की है जो तमिल भाषा की फिल्म कक्खा कक्खा का रीमेक है उन्होंने फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था दो हजार ग्यारह में विदोद चमाल अभिनेता ने तेलुगु भाषा की फिल्म शक्ति और ओसार वेली में नकारात्मक भूमिका निभाई दोनों में टीआर अभिनय किया था 2012 में विद्युत चमवाल ने बिल्ला के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की अजीत कुमार के साथ प्रतिपक्ष के रूप में जिससे उन्हें आलोचनात्मक सराहना मिली थी उसी वर्ष उन्होंने अभिनेता विजय के साथ थुपक्की में खलनायक की भूमिका निभाई जो ब्लॉकबस्टर बन गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सीमा पुरस्कार मिला था विद्युत चम्वाल ने बाद में हिंदी भाषा की फिल्म का मांडो में नायक के रूप में अभिनय किया और एस्टेंडमैन की सहायता के बिना वास्तविक दुनिया के युद्ध आधारित करवाई की फिल्म को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2013 हजार जुलाई 2013 में मॉन्ट्रियल में फैक्टिसिया फिल्म फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था इसके बाद दोस्तों सितंबर 2013 दो में टेक्सास में फैश फैक्टासिस फेस्ट में स्क्रीनिंग की गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एक्शन निर्देशकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसे ब्रूस ली और टोनी जैक भारत का जवाब बताया गया था कमांडो की सफलता के बाद उन्होंने तिंगमाशु धोलिया की बुलेट राजा में भी एक सर्क शूटर पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई 2014 में उन्होंने सूर्या के साथ तमिल भाषा की फिल्म में अनजान में सहायक भूमिका निभाई 2017 में उन्होंने कमांडो की अगली कड़ी कमांडो टू में दिखाई दिए थे जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उस वर्ष उनकी अगली रिलीज बादशाह थी जिसमें उन्होंने मेजर शेहर सिंह की भूमिका निभाई फिल्म ने दुनिया भर में औसत कारोबार किया था 2019 में विद्यो चामाल ने अमेरिकी निर्देशक सेल की पहली बॉलीवुड फिल्म जंगली और कमांडो थ्री अभिनय किया था बाद में उन्होंने कमांडो श्रृंखला में लौटते देखा गया था और फ्रेचाजी की सबसे सफल बिना फिल्म बन गई थी और उनकी अगली परियोजना धोरिया की यारा थी जो फ्रेंड फ्रांसीसी फिल्म लेस लियोनिस की आधिकारिक रीमेक थी यारा बिधौल द्वारा साइन की गई तीन फिल्मों में से एक थी अन्य दो निर्देशक राम मध्धवानी की बड़े प्रारूप की फिल्म थी जो हॉलीवुड की फिल्म तीन से के सम्मान अभा पैदा करती है 2020 में वह एक एक्शन थ्रिलर खुदा हाफिज़ में दिखाई दिए जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित थी यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी और इसे सिक्वल, इसे सिक्वल खुदा हाफिज चैप्टर की घोषणा भी उसी लीड के साथ की गई थी उन्होंने फिल्म सनक में अभिनय मुख्य भूमिका निभाई है और विद्युत चामवाल ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया है उसके बाद दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अर्जुन रामपाल भी अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दिखाई दिए हैं यह एक भारतीय अभिनेता है मॉडल फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 से अपने अभिनय कैरियर की के शुरुआत की और तब से 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था उन्होंने राक ऑन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सहायक सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर कई पुरस्कार मिले हैं उन्होंने दीवाना दो 2001 दिल है तुम्हारा 2002 दो, दिल का रिश्ता 2003 वादा 2005 और साई सी यू दो हजार एक्शन फिल्म असंभव दो हजार चार और थ्री डी डे सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है दो हजार तेरह में थ्रिलर यकीन हजार पंद्रह दो हजार और राय दो हजार पंद्रह सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यू दो हजार बारह क्राइम ड्रामा इंकार 2013 और बायोपिक डायरी 2017 हजार सत्रह दो हजार दो रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड आया जब उन्होंने आंखे के कास्ट किया गया था जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों डॉन 2006 ओम शांति ओम 2007 हाउसफुल 2010 राजनीतिक 2010 रावण 2011 और कहानी टू दुर्गा रानी सिंह 2016 हजार सोलह और नेल, पा, नेल दो हजार शामिल है बात की जाए दोस्तों रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार और मोहब्बत 2001 से सुनील शेट्टी अव आफ्ताब शिवदासिनी और कीर्ति रेड्डी के साथ की थी रामपाल ने धमाकेदारमें परफॉर्मेंस दी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और इंडिया एफएम के तरण आदर्श ने लिखा कि प्यार और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का एक शोषक है लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है उनके भावनात्मक क्षणों को परिपक्ता के साथ दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है और उसके भावनात्मक क्षणों को परिपक्ता के साथ संभालता है जो बहुत कम पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भारी शुरुआत है इसने रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक ग्रानी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्म फिर पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया था लेकिन स्टार स्क्रीनिंग और आइफा समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरुष श्रेणी में पुरस्कारों की बदला बदली कर ली थी उनकी अगली रिलीज आशुष त्रिखा की दीवान अपम थी जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया गया दिया मिर्जा के साथ थी और अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंस मिली लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और इंडिया के के इंडिया के एफएम के तरुण आदर्श ने लिखा अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलते चलाते और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं जो पूरे समय एक सम्मान रहता है और एक्शन दृश्य में अद्वित है और भावनात्मक क्षणों को उचित प्रतुष्ट देकर सुखद और आश्चर्य पैदा करते हैं रेडिफ के आशीष मंगोत्रा ने रामपाल रामपाल पर नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा अभिनेताओं ने अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्जुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं वही मॉडलिंग करते हैं और उनकी अभिनय क्षमताएं बातचीत होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है वर्ष की, की उनकी आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मिथ्या थी या वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी मिथ्या में मुख्य भूमिका में रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रामपाल की लगातार तीसरी फिल्म फ्लॉप फिल्म थी लेकिन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की थी